उदाहरण 8 सत्यापन कीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। इसमें सत्यापन करना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। बराबर के दोनों ओर जो मान होंगे वो बराबर होंगे, ये हम सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर हम इनके मानों का ही उपयोग करेंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री और इसका स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री और इसका स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी में आप देखते हैं वे वर्गमूल 3/2 होता है, तो इसका हम मान रखे और इसका कर दिए वर्ग। ऐसे ही साइन 30 डिग्री का मान त्रिकोणमिति सारणी से जानते हैं कि ये 1/2 होता है, तो यहाँ साइन 30 डिग्री की जगह में 1/2 रखा और इसका हमने वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने का अर्थ फिर यही है कि वर्गमूल 3/2 गुणा वर्गमूल 3/2 और ऐसे ही 1/2 का वर्ग है, इसको लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 इसका मान होगा 3 और 2 × 2 का मान हो जाएगा 4 ऋण 1 × 1 का मान होगा 1 और 2 × 2 का मान 2 × 2 = 4। 3 × 1/4 में से 1 × 1/4 घट रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और या हम इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं कि 4 और 4 इन दोनों का लघुत्तम आया 4 और 4 से भाग किया 4 को, तो 4 × 1 = 4। तो एक जो भाग फलाया 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 4 से फिर भाग किया, एक बार में भाग गया 1 का गुणा 1 से किया तो 3 × 1 = 4 तो ये हो जाएगा 1। तो 3 ऋण 1 बराबर हो जाएगा ये 2/4। 2 से इसको भाग कर सकेंगे तो ये आएगा आपका 1/2। अब 1/2 और जो सत्यापन करना है उसका दायां भाग आप देखेंगे, तो ये जो प्रश्न था इसमें हमको इसका दायां भाग सत्यापित करना है कॉस 60 के, तो ये हमारा प्रश्न था ये वाला हिस्सा, और इसके मान को इसके मान के बराबर करना है। तो हम ये देखें कि इसका मान जो हमको मिला है 1/2, क्या उसको हम कॉस 60 अंश से संबंधित कर सकते हैं? तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, इसका मतलब 1/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। इस तरह से हम इसको अब सत्यापित कर लिए कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, यही हमको इसमें सत्यापित करना था।